बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपने किचन में आपको दाल करेले बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, दाल ली है मैंने 1 प्याली, करेले लिए हैं मैंने 1/2 kg, प्याज लिए हैं मैंने 3 दरमियाने साइज़ के, टमाटर लिए हैं मैंने 2 बड़े, सब्ज़ मिर्चें लिए हैं 3 से 4 अदद। तो ये 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून दादर मिर्च, 1 टीस्पून साल्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, ये साथ मैंने रखे हुए हैं। तो ऑयल है, तो सबसे पहले मैं जो है ना दाल को एक साइड पे बॉईल करना रखूँगी, उसके साथ मैं प्याज और जो करेले हैं ना फ्राई करना सिखाती हूँ। हम स्टार्ट करते हैं और ये मैंने ऑयल रखा है, हम फ्लेम ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं इतना ऑयल डालती हूँ। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से डालें, कई लोग कम खाते हैं कई लोग ज़्यादा खाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो आप निकाल लें। ये मैंने पैन लिया है, ये दाल मैं इसमें डालूँगी और बॉयल करने के लिए रख दूँगी। ये दाल मैं इसमें थोड़ा सा पानी और नमक डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के, ताकि वो पानी बाहर ना आए, इसको बॉयल करने के लिए रख देती। ये देखें दाल में मैंने पानी डाल दिया है और इसमें 2-3 ड्रॉप ऑयल डालूंगी, ताकि इसका वो जो है ना बाहर ना आए। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं इसके अंदर है करेले डालूंगी। इनको हमने नमक लगा के मैंने 1 घंटा रखा था, फिर अपने चोड़ के ना इसका पानी, अब मैंने इनको धो लिया है। और दाल मैंने बॉयल करना रख दिया है। अब मैं इसके अंदर है ये जो प्याज काटे थे ना, ये भी डाल दूंगी, ताकि ये भी साथ फ्राई हो जाए। प्याज और ये एक तो सालन से ज़्यादा हो जाएगा, एक मज़ा आता है करेलों में भिंडियों में प्याज का। ये दाल बॉयल हो गया और हमने इतनी ही करनी थी, ये देखें हमने इतनी ही दाल बॉयल करनी थी, तो कि टूटे ना करेलों में। ये देखें इतनी सी दाल है, जितने हम लोग हैं उतने में से इतनी सी होनी चाहिए कि ये खन खन की आवाज़ आए, ताकि बहुत ज़्यादा गाल दीजिएगी ना, फिर वो सालन नहीं मज़े का रहने देगी, सारा वो घुल जाएगा। इतनी प्यारी करेलों की खुशबू आ रही है, ये मैंने वो करेले लाए हैं जो कि अभी इनका यानी कि सीज़न अभी शुरू नहीं ना हुआ, तो इसलिए ये महंगे हैं, वरना मैं ये बना के ना तो मैं रख देती होती हूँ और थोड़े थोड़े निकाल के खाती हूँ। चिकन करेले भी बड़े अच्छे बनते हैं, कीमा करेले भी बहुत अच्छे बनते हैं, कीमा करेले सीज़न में बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये इमली मैं अभी डाल देती हूँ ना, ताकि वो थोड़ी सी इसमें ना पकनी शुरू हो जाए, इमली से ना खट्टापन ख़त्म हो जाएगा। हम जो है ना ज़्यादा ना भिंडियाँ जलाते हैं ना करेले जलाते हैं, उनकी दादी माँ हमेशा मुझे कहती थी, अम्मा जी कहते होते थे पुत्र करेले जड़े ना काले ना हो, करेले पता लगन करेले पके। तो इंशाल्लाह मेरी तमाम जो है ना सब्जियां खाने में बहुत टेस्टी होती हैं, मुझे खुद अपना मज़ा आता है, इसलिए मैं खुद अपनी तारीफ कर रही हूँ, वैसे अपनी तारीफ करनी नहीं चाहिए। अब ये जो है ना मेरे हाल हो गए हैं थोड़े नरम, ये देखें अब इसके अंदर मैं दाल डाल दूंगी। थोड़ा सा मैंने पानी अंदर था ना, मैंने कहा चलो इसमें करेले नरम हो जाएंगे। दाल करेले कभी आप बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे।
ये देखें, ये रेड चिली साबुत, दाल ज़्यादा गली होगी ना तो ये आपका ये गुड़मुड हो जाएगा, सारा गतावा जब बन जाएगा। ये पानी खुश्क हो गया ना इसका, फिर हम साथ में ये देखें हमारा दाल वाला पानी खुश्क हो गया। अब मैं क्या करूँगी इसके अंदर, ये सब्ज़ मिर्चें, ये टमाटर और ये नमक मिर्च, जो हल्दी हाफ टी स्पून, और ये सूखी सूखा धनिया, ये देखेंगे तो बेहतरीन ये हंडिया भून जाएगी। ये देखें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इधर दाल करेले। अब मैं इंशाल्लाह इसको 5-6 मिनट के लिए स्टीम पे रख देती हूँ। इन्हीं टमाटरों में जो करेले में थोड़ा कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जो है ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। अब मैं इसको स्टीम पे रख देती हूँ, थोड़ा हल्का सा स्लो कर देती हूँ फ्लेम, और ये पक जाते हैं इंशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह हमारे करेले रेडी हो गए हैं। और ये देखें, ये सूखा धनिया है, ये सूखा धनिया है, ये जीरा है, और ये मेथी है। इसको मैं थोड़ा सा दरदरा करूँगी और इसके ऊपर डालूंगी बहुत प्यारी खुशबू। ये देखें इसके ऊपर हम ऐसे डाल देंगे, बहुत यम्मी बने हैं करेले दाल 2-in-1। करेले चिकन बनाए, करेले दाल बनाए, करेले दाल भी बनाना सिखा दिए, करेले मटन भी बनाना सिखाऊँ, करेले कीमा सॉरी। ये देखिए माशाल्लाह हमारा करेले चिकन बहुत ज़बरदस्त रेडी है। ये देखें देखिए माशाल्लाह मेरे बहुत मज़े के करेले दाल तैयार हैं। देखें बहुत यमी लग रहे हैं, दाल भी बिल्कुल, ये देख ये दाल देखें माशाल्लाह शेक करेलों के साथ खाने वाली है। देखें अब मैं थोड़ा सा डिश आउट करके भी आपको दिखाती हूँ कि देखने में कैसा लग रहा है आपको। ये माशाल्लाह देखें ये मैंने डिश आउट किया है, बहुत जम्मी बहुत टेस्टी, मुझे मैं तो यकीन करें ऐसे ही खाना शुरू हो जाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे करेले इंशाल्लाह दार करेले पसंद आएंगे। मैं आपको कीमा करेले भी बना के सिखाऊंगी, वो भी मेरे बहुत ही मज़े के होते हैं। इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करें, इसके साथ दूध में दूध ले के उसमें 1 गिलास दूध 2 गिलास पानी डाल के हल्का सा नमक डाल के कच्ची लस्सी बना के साथ में पेश करें, आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखें आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखें मैंने डिश में डाल के भी आपको दिखाए हैं, कलर देखें इसका, टेस्ट में भी मज़े के हैं। तो लीजिए व्यूअर इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, प्लीज़ लाइक करना सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह 2-3 दिन तक मैं और मज़े मज़े की रेसिपीज़, यकीन करें मेरे जहन में इतना आ रहा है कि मैं ये बनाऊं वो बनाऊं, मेरे पास अभी माशाल्लाह बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ।